गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन टीचिंग क्लास ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 6। टुडे वी विल डू चैप्टर 4th, क्लॉथ मटेरियल्स। मीन्स आपके कपड़े किस किस मटेरियल से बने होते हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा प्लांट मटेरियल्स, प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स हमारे क्या क्या हैं, जैसे जूट है, फ्लैक्स है, कॉटन प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट फाइबर होते हैं। जूट हमें किससे, जूट हमारे इट इज़ अ नेटिव प्लांट, यानी राष्ट्रीय प्लांट है। गंगा, प्लांट ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा में इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश का जो डेल्टा बनता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों से, वहाँ पे ये प्लांट उगता है, ठीक है। जूट प्लांट, वेयर एवर बल्की स्ट्रॉन्ग फैब्रिक्स एंड ट्विंस रजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग आर रिक्वायर्ड, जूट इज़ वाइडली प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट। जूट में बहुत सस्ता पड़ता है इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फ्लैक्स क्या होता है, लिलिन, लिलिन इज अ क्लॉथ मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द स्टॉक्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट, ये फ्लैक्स प्लांट है, इनसे हमें लिलिन मिलता है, लिलिन इज अ क्लॉथ है। इट हैज़ अ क्रिस्प फील, इज फेयरली स्ट्रांग, हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इससे मतलब चमक होती है इन तरह के कपड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉटन, कॉटन भी प्लांट से हमें मिलता है, ये कॉटन के प्लांट में जो ये रुई जैसा है इन्हीं से हमें इनको धागे के रूप में पिरोकर फिर उनसे कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है मशीनों में, फैक्ट्री यूज में, ठीक है। एंड क्या है, सॉइल फॉर कॉटन, कॉटन के लिए क्या है, एलिवेल और ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, जरूरी होता है फॉर कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स क्लाउड फ्री सनी डेज, सनी डेज में ही होता है, अनफेयरली हाई टेम्परेचर बहुत होना चाहिए एंड ब्लैक सॉइल होना चाहिए। इन इंडिया कॉटन इज प्रोड्यूस मेनली इन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमारा कॉटन होता है। एनिमल्स फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स फाइबर्स हमारा वूल है, सिल्क है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म, ये इसके कीड़े हैं, इसमें सिल्क वॉर्म से हमें कोकून, और कोकून से हमें सिल्क निकालता है, सिल्क इज थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है ये उसके सिल्क वॉर्म के एग से हमें मिलता है, ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल खुद से रीड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मैन बनाता है इसलिए इसे मैन मेड फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रांग, रेजिस्ट वियर एंड रूटिंग, खराब होने से बचाते हैं ये, ठीक है। इट इज़ मेनली ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नायलॉन और रेयन। तो नायलॉन हैज़ बीन अ लीडिंग सिंथेटिक फाइबर सिंस द 1940s में आया था ये नायलॉन, और व्हेन नायलॉन स्टॉकिंग्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द मार्केट, 1940s में फर्स्ट टाइम नायलॉन का ये लीडिंग फाइबर आया था, ठीक है। नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्ट वियर ऑन रोटिंग, नीड्स नो इन आयरनिंग एंड ड्रिप ड्राइज, ठीक है, इसको आयरन करने की जरूरत नहीं होती है, और इट इज़ वाइडली यूज इन शर्ट, सॉक्स, ऑल काइंड ऑफ क्लोथिंग में यूज होता है। नायलॉन इज मेड अप बाई अ प्रोसेस कॉल पॉलीमराइजेशन, नायलॉन जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म पॉलीमर, द नायलॉन पॉलीमर इज मेड ऑफ इन टू फाइबर्स बाई मेल्ट स्पिनिंग। दूसरा क्या है हमारा, रेयन, दूसरा सिंथेटिक फाइबर क्या है, रेयन, रेयन इज अ सिल्की लस्चर फाइबर मेड फ्रॉम सेलुलोज फ्रॉम पल्प ऑफ सॉफ्टवुड। द मोस्ट कॉमन काइंड्स ऑफ रेयन आर विस्कोज या ट्राई एसीटेट नाम है रेयन का, ठीक है। विस्कोज रेयन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स, इट इज अ स्पून इन टू यार्न फॉर यूज इन ऑल kinds of clothing, triacetate fabrics can be permanently pleated, ठीक है। इस चैप्टर में यही था कि आपके क्लॉथ जो आप यूज़ करते हो उसके बारे में थोड़ी सी ये नॉलेज थी इस चैप्टर में।
ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।